किया होगा तो हज़ारों का अच्छा भी किया होगा मैंने मैं कहता हूँ कि मैंने बहतों को हंसाया है तकलीफ़ों में भी हँसाया और ख़ुद का मजाक बना के लोगों को अगर हंसाए तो कहीं ना कहीं दुआएं भी मेरे साथ है तो मेरे गुनाह जो है और मेरी दुआएं जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह इस तरह चलते रहते हैं पर इस बार मुझे लगता है अगर आप जो कह रहे हो बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है तो वो ओवर पावर कर रहा है और मैं इस चीज़ से अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारना चाहूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती फिर से ना करूँ अभिषेक uh, आपका रिलेशनशिप जो ईशा के साथ था आई थिंक लोग अफकोर्स बोलते हैं कि समर्थ ने पोक किया आपने हाथ उठाया पर आपने और ईशा ने अपने रिश्ते का खुद मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जितने टॉक्सिक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे उतने ही टॉक्सिक आप दोनों शायद दिख भी रहे थे और शायद पास में रहे भी होंगे आपको ऐसा क्यों लगता है एक पॉइंट पे आके कि जब आप ईशा को भी कॉल आउट कर रहे थे कि वो मेरे को पोक कर रही हैं पोक कर रही हैं आप अपने खुद भी पास में उनके साथ कुछ तो जो भी आपका रवैया रहा होगा वो उसी का नतीजा है आप लोग अपनी टॉक्सिकिटी और अपनी इनसेक्योरिटी यहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं और फिर लोगों को बोल रहे हैं कि देखो मेरे साथ वो ये कर रही है, देखो मेरे साथ वो वो कर रही है। कर तो आप ही रहे हैं तमाशा तो आप लोगों ने अपना रिश्ते खुद बनाया है जी तो आ, मैं जब आया था तो मुझे लगा था वो जो जो उसने वर्ड बोला अग्रेसिव हूं मैं मुझे लगा था वो मिडल ऑफ द सीज़न निकलेगा या कुछ होगा मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज पे ही जाके फूट पड़ेंगी मेरे पे क्योंकि मैंने उनसे अंदर अंदर आने से पहले कॉल पे भी बात की थी कि ईशा हम अगर जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हमारी पास्ट लाइफ यहाँ पे मतलब निकले क्योंकि वो बहुत बेकार लाइफ थी और मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेचती हो मेरी भी बेचती हो क्योंकि दोनों ही अगर मैं सत्तर था तो तू भी तीस थी तो तू वो चीज़ें मत निकालना कहती मैं नहीं निकालूंगी तो स्टेज पर जब निकली तो ऐसा हो गया था कि यार गलत तो मैं हूँ बट मैं मेरे पास भी इतनी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ और मैं उस चीज़ पे चुप भी रख लेता था और वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू तो अगर ऐसी हुआ है तेरे को लड़की नहीं मिलेगी तो अकेला मर जाएगा ये कर जाएगा वो कर जाएगा तो मैं मुनावर और रिंकू जी को हमेशा बोलता था कि रिंकू जी जब ये बोलती है ना तो मैं सारे उस मोमेंट्स में चला जाता हूँ हमेशा कि मतलब मैं उस मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे और मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं इमोशनल हूँ मैं सेंसिटिव हूँ उन सब चीज़ों में और जब मैं रोना स्टार्ट करता हूँ मेरे एक दो दिन खराब जाते हैं तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं यहाँ पे रह के अपना एक दो दिन क्या मैं एक घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्राउड में काम करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पूरा इंडिया मेरे को देख रहा है तो मैं उस चीज़ पर पीछे नहीं होना चाहता तो मैंने एक डिसाइड किया आठवें नौवें हफ्ते में जाके कि अगर ईशा आप बोलेगी ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा तो ईशा ने जब मेरी स्टीरोइड्स वाली बात निकाली तब मैंने फिर मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा कि अगर ये इतना सब बोल सकते तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगा अगर ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उस इज्जत रखूँ अगर मेरे पास तीस परसेंट बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूँ तो हमेशा ईशा ने बोला है मैंने हमेशा चुप्पी साधी आठ हफ्ते तक नौवें हफ्ते अगर मैंने बोला है तो उसमें सलमान सर ने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला कि तू तो गलत है उसके बाद मैंने उस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल किया बट तब भी ईशा जब बोलती रहती थी मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा पर्सनल मत जा क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से वो चीजें निकले बट मुझे पता है हम दोनों ने उतनी गलतियां कर दी हैं कि लोगों को हम बहुत टॉक्सिक लगे होंगे कि यार अभिषेक और ईशा तो पहले ऐसे आए थे और अब क्या कर रहे हैं उसके लिए मैं हमेशा माफी मांग सकता हूं और अभी भी माफी मांग रहा हूं वो थप्पड़ वाली बात पे मैं माफी मांगता हूं और ईशा और मेरा जो रिलेशन दिखाया जो भी टॉक्सिसिटी दिखी है उन सब के लिए मैं माफी मांग सकता हूं और और कुछ नहीं कर सकता ओके हाय दिस रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स मेरा क्वेश्चन विक्की के लिए है आप लाइक पूरे सीजन एज अ इंडिविजुअल ऑब्वियसली आप एंटर कर चुके हैं घर पे अंदर बट आपने हमेशा अंकिता को बोला है कि इसके आगे घर जाना है घर जाना है घर जाना है कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको भी घर जाना है हम दोनों को राइट बट right. आपके कभी वो नहीं दिखे कि आपको घर जाना अंकिता के साथ अंकिता को तो जरूर जाना है आपके साथ बट आपको कभी ऐसा लगा नहीं हाथ उठाना फिर आई mean, उनको, हाथ उठाने के एक्शन दैट वाज बट और तो अंकिता ने तो मुझे पीटी ही दिया 10 बार तो, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरा सवाल यही है की मेरा सवाल यही था कि कहीं क्या अंकिता को अकेले घर जाना आपको नहीं जाना अंकिता के साथ जाने हमें मैंने दो चीज़ें बोली है एक नहीं मैं हमेशा उसको मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि अरे इसके आगे भी तो दुनिया है इसके आगे भी दुनिया है का मतलब बस यही होता है कि कहीं ना कहीं हमको किसी किसी लेवल पे संयम बरतना पड़ेगा मैं यहाँ मैं यू you नो know, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन सिर्फ हमेशा मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज कुछ अंकिता ने भी कहा है तो मेरा भी रिस्पॉन्स आया ऐसा नहीं कि मैं उठता हूँ और मैं दस बातें अंकिता को बोलता हूँ और अंकिता खड़े होकर सॉरी बोलती रहती इट्स नॉट लाइक दैट कुछ चीज़ें हमारे बीच में यहाँ आके बहुत वोकली एक दूसरे के सामने आई है तो दोनों चीज़ हुई है मैं सिर्फ उसको इस बात से कहना चाहता हूँ और मेरा एक मस्ती मजाक करने का तरीका मैं हर चीज़ के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक को लेके आता हूँ थोड़ा सीन लाइट करने के लिए कई बार लाइट होती कई बार नहीं होती कई बार और अग्रीवेट हो जाती है सो आई एम ऑल्सो लर्निंग बट आई डिड नॉट मीन एनीथिंग की तुम्हें ही जाना है या मैं कोई डरा रहा हूँ वाला नहीं है घर वाले आप आपको नहीं देख रहे टीवी में। दोनों को देख रहे हैं माई ओनली पॉइंट उस टाइम पे मेरे मन में आया तो मैंने उसको कह दिया उस पर आता तो वो चार बातें कह देती वो भी चालीस बात कहती है जिसके बारे में कोई बात नहीं क्वेश्चन पे सवाल पूछा जा रहा है इट्स जस्ट दैट वो हस्बैंड वाइफ के एक ह्यूमर में ये सारी बातचीत है ना हाँ, मतलब ये अभी इनके मायके में सब कुछ हो रहा है इसीलिए इनके हिसाब से चल रहा है बट पॉइंट इज दैट कि एक हस्बैंड एक ह्यूमर जोन है हम दोनों का हम दोनों इसी तरह के ह्यूमर जोन में बातचीत करते हैं नॉर्मल भी तो मैं उस ह्यूमर में उसको बोलता हूँ अरे भैया जैसे में बीच में हस्बैंड कम्युनिटी बोलता रहता हूँ देखो मुझ पर टॉर्चर हो रहा है आप देखिए ये मेरा एक ह्यूमर जोन है पसंद आया है नहीं आया नहीं आया बट दैट्स हाउ आई एम मैं यही बोल रहा हूँ इसीलिए तो वो मतलब पॉइंट इज की इवेंचुअली इवेंचुअली वैसा कुछ है ही नहीं हमसे मस्ती मजाक कैसे करते रहते अच्छा हैं। नहीं घरवाले देख रहे तो I mean... अरे वाले रहते ही आज तक, uh, मेरा सवाल अंकिता से है जी. कि आप हमेशा से कहती आई है कि आपका पवित्र रिश्ता है यहाँ पे तो यहाँ के लोगों से आपका कितना पवित्र रिश्ता बन पाया है किसी किसी के लिए आप कह सकती है विकी को छोड़ के आई थिंक uh, मैंने अपनी तरफ से ईशा के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया है और मुनवर डेफिनेटली मुझे uh, जो भी हुआ हमारे बीच ईशा और मेरे बीच भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं और मुन्ना और मेरे बीच अभी एक फ़िलहाल एक हफ्ते से जो भी हुई थी लेकिन आई स्टिल फील जो भी हमने शेयर किया है वो बहुत प्योर है वो इस गेम के अलावा एक uh, नई जर्नी को चालू करेगा जो घर के बाहर दिखेगी अभिषेक से सवाल है मेरा आ, ये एग्रेशन सिर्फ बिग बॉस के घर के लिए है या बाहर भी कंटिन्यू रहेगा। आप लड़ेंगी <laughs> मतलब आ, बाहर की दुनिया में कोई आपको उस लेवल का हर्ट नहीं करता बट जहाँ जो इस लेवल यहाँ पे मैंने बहुत हर्ट लिया। पर मैं थोड़ा हूं वैसा कि मेरे मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ मैं मेरा इमोशन थोड़ा पता नहीं हर चीज में हाई है मैं यहाँ पे कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था मैंने कहा छोड़ो यार ये अच्छा ही चल रहा है चल ले तो दो इसको <laughs> तो है थोड़ा सा बट मैं उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की ट्राई करूँगा कि मैं हो जाऊँ okay. मैं ऐसा ही हूँ <laughs> नमस्ते सभी को मैं आकाश हूँ नव भारत न्यूज पेपर से uh, मेरा सवाल पहले मनोवर से है मनोवर आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था एक चीज ये दूसरी चीज आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब 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 क्योंकि जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है अंकिता बहुत मिच्योर है और बहुत सेंसिटिव है मैं उनको समझता हूँ और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं अं समझता हूँ कहीं ना कहीं बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ और कहीं ना कहीं या हम दोनों का वो जोन चलता है बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फ़िक्स ना हो सके और रही बात हल्के में लेने की तो नॉट अंकिता की बात नहीं है बाकी पूरे घर वाले नौ हफ्तों तक मेरे को सब ने हल्के में लिया ही नहीं था कोई भिड़ता ही नहीं था कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो कोई आता नहीं था आड़े में अपने लेकिन नौवें हफ्ते में जरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है ये वो ये वो तब के तू ठंडा दिख रहा है वो और फिर वो आयशा आयशा की एंट्री हुई की तो आयशा की एंट्री के, के बाद लगा नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बाकी पूरे घर की बात कर रहा करो आयशा के एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है दबाने का वगैरह समझ रहे हो तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का और मैं बहुत लो था जेन्यूनली मैं बहुत एम्बेस था और मैं जेन्यूनली बहुत हैप्पी हूँ सिचुएशन के लिए अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती मैंने हैंडल कर लिया होता यहाँ मैं जब जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था और रिकवर होने टाइम लगता है तो जब रिकवर मैं हुआ तो दो लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया है। टनल हाँ टनल दो लोगों को तो दिखा दिया है। तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्यनली सब लोग धुरंधर है तो उसके अंदर और मेहनत है तो वही शुरू हो चुके हैं दो हफ्ते से तो मुन्ना खटक रहा नमस्कार मैं हूं सरिता सिंह फीफा फूड से और मेरा सवाल बनारा के लिए है इतना डेस्पेरेशन भी अच्छा नहीं है ये वाना भी है वो बहुत वाना भी है पर मनारा जहां से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट और वॉनाबी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है जी ओके आपने खानजादी के कैरेक्टर पर क्या कहा आपको याद होगा मैं दोहराना नहीं चाहती क्या कैरेक्टर के आगे कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाया आपने कैरेक्टर लेस कहा okay. आपने आयशा के बारे में बहुत ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे जी. तो क्या आप भूल गई थी कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं या आपको लगता है ये सब अप्रोप्रिएट है कहना अदरवाइज okay. भी अप्रोप्रियट है कहना और साथ ही okay. साथ ये भी कि आप आ, मुनवर की फ्लाइट में सेफली लैंड बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं ऐसा भी आपको लगता है हमें तो लगता है ओके okay, तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की प्लीज प्लीज़ स्वागत स्वागत कंधे पे ये तो फ्लाइट में no तो सबसे पहले आयशा से शुरू करूंगी आपको शायद याद होगा आयशा आई थी तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसीव करा था इस घर में एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था और मेरे मुंह से शब्द निकला था वो गॉड मेरे को घर जाना है। उन्होंने मुझे कुछ डबल uh, बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए